जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटे में 77 संक्रमित कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही जामताड़ा जिले में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 298 रह गई है। हालांकि इस अवधि में 15 नए संक्रमित भी मिले हैं। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जिले में शिविर लगाकर नमूना संग्रह, जांच एवं टीकाकरण कार्य लगातार जारी है। आज हमने जामताड़ा में टेस्टिंग ड्राइव कराया था, जहां हमने 1285 सैंपल्स को कलेक्ट किया है। आज हमने 838 सैंपल को टेस्ट किया है। इनको टेस्ट करने के बाद हमें नए पॉजिटिव केस 15 मिले हैं। इनको मिला के हमारा टोटल पॉजिटिव केस 5239 हो चुका है। आज हमने 77 लोगों को डिस्चार्ज किया है। इनको मिला के हमारा टोटल डिस्चार्ज 4941 हो चुका है। एट प्रेजेंट हमारा एक्टिव केस 298 है। स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन का ही कमाल है कि जिले में अब तक करीब 5000 लोग कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोग चिकित्सा महकमा की मेहनत की सराहना कर रहे हैं। मेरी दादी 82 साल उम्र है, उनको कोरोना हुआ था और ये सर जामताड़ा का उदलबनी में एडमिट करवाए, दुर्गेश सर के निगरानी में बहुत अच्छा इलाज करवाए, इलाज किए सर दुर्गेश सर, और आज डिस्चार्ज होकर जा रहे नेगेटिव होकर। जामताड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेषकर बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर भी विशेष पहल की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जांच कराने और टीका लेने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।